हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपकी चहेती बिंदास परवीन मलिक। तो मैं आ गई हूँ नया ब्लॉग लेकर। ये ब्लॉग एक्चुअली मैं संडे को बनाती हूँ, जो मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं सभी के, उन कमेंट्स का रिप्लाई मैं करती हूँ संडे को। बट किसी रीजन से मुझे जाना था संडे को, कल मुझे सिरसा जाना है, तो 11 बजे तक तो शायद मैं चली जाऊँगी सिरसा। और क्या कहते हैं, तो मैंने सोचा आज आपके कमेंट्स का जवाब मैं अच्छे से दे देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी रहता है कि भी मैडम ने जवाब नहीं दिया, तो जवाब तो मैं ज़रूर देती हूँ। चाहे मेरे पास कमेंट आए 4, चाहे आए 5, चाहे आए 10, कमेंट बॉक्स भी भरे पड़े हैं जवाब देने के लिए। कुछ सभी का रिप्लाई करूँगी, ऐसा नहीं कि भी जो अच्छे कमेंट्स हैं मैं उन्हीं का रिप्लाई करती हूँ और उनका नहीं करती, मैं सभी का ही रिप्लाई करती हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे ब्लॉग देखना क्यों पसंद करते हैं? आपको कुछ खास लगता होगा तभी तो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बेटी तो हूँ पंजाब की, बट बहू हूँ मैं हरियाणा की। तो कुछ लोगों जो कमेंट आते हैं कि क्या मैडम आप जाटनी हो, क्या मैडम आप पंजाबन हो, तो भाई मैं दोनों ही हूँ। अब आप ये सस्पेंस है, ऐसे मैं बोल रही हूँ कि मैं दोनों ही हूँ, मैं इसका जवाब आपको बहुत जल्दी दे दूंगी। तो प्लीज आप ऐसे कमेंट्स मत करिए कि पंजाबन हूँ। वैसे तो मैं पंजाबन हूँ, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि मैं पंजाब की हूँ और मैं पंजाबन ही हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसने अभी तक मेरा ब्लॉग नहीं देखे हैं, जो पीछे के जितने भी ब्लॉग्स हैं आप वो जाकर जरूर देखिए, और आप मुझे कमेंट्स जरूर करा करें। मैं आपके कमेंट्स की वेट करती हूँ, और मेरा मेरा पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको आपके कमेंट के रिप्लाई भी करती हूँ। तो शाम को जो है, मैं देखो दिन में जो है 8 बजे से लेके 2:30 बजे तक मैं लाइव रहती हूँ। तो आपको मैं लाइव चैट का रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास स्कूल में कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। तो ये लाइव जो यूट्यूब पर मैं आपको दिखाती हूँ, आप मुझे मैसेज करते रहते हो, मैं देखती हूँ उसको। आप लोग मुझे देख सकते हो, बट मैं आप लोगों को नहीं देख सकती। आप जो मैसेज करते हो उसके अंदर, वो मैं बिल्कुल पढ़ पाती हूँ। मैं आपको रिप्लाई इसलिए नहीं करती, क्योंकि कभी पेरेंट्स आ रहे हैं, कभी बच्चे आ रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आप ना मुझे मैसेज करते रहा करो, और रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दे दिया करूँगी आने वाले टाइम में। जैसे ही मैं ब्लॉग्स बनाऊँगी मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो और साथ में कौन कौन लाइव चैट में आता है मेरे साथ, प्लीज़ आप सभी आया कीजिए। जब भी आप फ्री होते हो तो आप लाइव चैट में आकर मुझे हाय हेलो और आपके भर भर कर मैसेज भेजिए, क्योंकि वो मुझे साफ दिखाई देते हैं कि आप लोग मेरे साथ चैट कर रहे हो और मुझे आप मेरे से आप जवाब मांगते हो। तो मैं उसका रिप्लाई आपको बाद में ज़रूर किया करूँगी। और साथ में मेरी जितनी भी एजुकेशन है वो है पंजाब की, मेरी MA BEd है, सब पंजाब की है। तो मैं यहाँ पर हरियाणा में हिसार में मेरी शादी हुई है। तो मेरा मन था कि मैं ब्लॉग्स बनाऊँ, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं ब्लॉग्स बनाऊँ, बट आप लोगों की हेल्प के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। प्लीज़ आप मेरे जो ब्लॉग्स हैं आप डेली देखिए, और भर भर कर मुझे आप उसमें कमेंट्स करिए कीजिए, और अपने परिवार में सभी में देखिए। आपकी मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा एक एम है यूट्यूब बनाने का, तो वो एम जो है, मतलब आपको मैंने बताया था कि मैं किस लिए मैं यूट्यूब चैनल बना रही हूँ। जब आपको मैं लाइव दिखाया करूँगी कि देखो मैं आज फिर आपको बता देती हूँ कि मैं जानवरों के लिए, जो डॉग्स हैं या फिर गाय है, मैं इनके लिए एक बहुत बड़ा जो है एक मतलब एक फार्म बनाना चाहती हूँ इनका। तो मेरा यही है कि अगर आप मेरी हेल्प करते एक अच्छे काम के लिए, तो मैं जल्दी से मैं इस सफलता को पा लूंगी। तो आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, और मेरे को ऑल ओवर हिसार नहीं, मुझे पूरे हरियाणा, ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड, मैंने हर जगह पर जो है मेरे ब्लॉग्स जो है, मैंने ये चैनल जो है नंबर 1 पर लाना है, और वो आपकी हेल्प के बिना नहीं हो पाएगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स में कुछ कमियां लगती हैं तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उन कमियों को भी ज़रूर ठीक कर दूंगी। बट मेरा जो अभी यूट्यूब पर टाइम पीरियड थोड़ा सा रह रहा है, तो आप उसको प्लीज़ ब्लॉग्स को देखेंगे, सारे ब्लॉग्स देखिए। मैंने कॉमेडी और फनी ब्लॉग्स जितने भी हैं मैंने बहुत डाले हुए हैं, बट अब कमी है कि इस बार जो है बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है मुझे।
बहुत ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, बट कोई बात नहीं, मैं कभी हिम्मत नहीं हारती। मैं हमेशा, अगर मेरे को कोई पुश कर देता है कि भी आप रुक जाइए, तो मैं उतने ही तेजी से और आगे बढ़ती हूँ। मेरा स्टाफ जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो मुझे अच्छे से जानता है। मैंने अभी आज भी मैंने उनको बोला है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप हिम्मत करके काम कीजिए। अगर हमारे बीच कोई अच्छी बात है, हम अच्छे हैं, तो हमारे साथ जरूर अच्छे लोग भी जुड़े। तो कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच का फार्मूला अपनाते हैं और पूरी हिम्मत के साथ मैं आगे बढ़ूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मेरा बिजनेस जो है दोबारा लाइन पर आ जाए। कोई बात नहीं, और जो अगर आपको मेरे ब्लॉग में, मैंने पहले भी बताया है, अगर आपको कोई ना कोई दिक्कत लगती है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए, तो मैं उन चीज़ों को और भी ठीक करूंगी। तो कमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला कमेंट आया हुआ है, आज मैंने डाला था कि भी मैंने YouTube छोड़ दिया है। सॉरी गाइज, मैं एक आपके साथ प्रैंक कर रही थी। मैंने YouTube चैनल नहीं छोड़ा है, मैं जल्दी से कोई चीज़ नहीं छोड़ती। हाँ, अगर मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो मैं चाहे छोड़ दूंगी। मेरा मोनेटाइजेशन अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो YouTube की कुछ है, मतलब जो भी उन्होंने अपने दिए हुए हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो मेरा जो 4,000 घंटे का वॉच टाइम है वो अभी थोड़ा सा रह रहा है, बाकी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में देखना, मैं आपको हिसार के अंदर बहुत बढ़िया चीज़ करके दिखाऊंगी जो आप लोगों ने आज तक नहीं करी होगी। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग करते हैं, पैसा कमाते हैं तो अपने घर के लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। बट मैं जो जो भी पैसा कमाना चाहती हूँ, जो आपके थ्रू जो भी YouTube मुझे इनकम देगा, मैं वो सारा का सारा पैसा जो है मैं आपको भलाई के काम में लगा कर दिखाऊंगी। ये नहीं कि आपको आने वाले टाइम में आपके साथ मैं आपको जुड़कर दिखा रही हूँ, दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो पहला कमेंट जो था वो यही है कि मैम आप, ये है लवप्रीत सिद्धू जी, इन्होंने लिखा है, नहीं मैम ऐसा मत करो। लवप्रीत जी, मैं नहीं छोड़ रही हूँ, मैं आपके साथ एक प्रैंक कर रही थी, देख रही थी कि मेरे साथ कौन कौन प्यार करता है, मुझे कौन कौन चाहता है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया। और नेक्स्ट भी है लवप्रीत सिद्धू जी का, इन्होंने फिर हार्ट भेजा है, तो थैंक यू सो मच लवप्रीत जी। ये है कन्हैया लाल जी का मैसेज, 7438। मैंने क्रिकेट मैच बच्चों के साथ, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, मैंने उनके साथ एक ब्लॉग बनाया था क्रिकेट का, तो उसमें कन्हैया जी ने मुझे मैसेज किया है गुड प्लेयर। तो थैंक यू सो मच कन्हैया जी, आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि गुड प्लेयर, थैंक यू सो मच। हालांकि मैंने लाइफ में पहली बार जो है क्रिकेट बैट उठाया होगा, मैंने आज तक भी कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, और मैं अपने स्कूल में प्लेयर थी। गला खराब हुआ पड़ा है, डोंट वरी, अभी तक चाय नहीं मिली ना, अब चाय पीऊंगी नीचे जाकर। तो मैं अपने स्कूल के अंदर 10th+2 जब मैंने की है, तो मैं एक बहुत अच्छी जैवलिन, मैं प्लेयर थी जैवलिन जो, और साथ में लॉन्ग जंप की प्लेयर थी। ये तो अब फैट बढ़ गया थोड़ा सा, एज के हिसाब से थोड़ा सा हो गया, नहीं तो मैं बहुत जल्दी अपने आप को थोड़ा सा पतला करूंगी। तो मैं बहुत बढ़िया प्लेयर थी, बट क्रिकेट मैच मैंने लाइफ में पहली बार खेला है, लेकिन मुझे बहुत मजा आया, बहुत, जिसे कहते हैं बहुत मजा आया। और जिस जिसने मेरा ये ब्लॉग नहीं देखा है, जल्दी से जाके मेरा ब्लॉग देख लो आप। तो नेक्स्ट मैसेज है सुनील चौहान जी का, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू बेटा। जो संतोष मेरे घर में पूरा दिन रहती है, देखिए वो भी हमारा एक घर का मेंबर है, तो उसने जैसे उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जब वो मेरे पास आई थी, दीक्षा थी जो 2-2.5 साल की आई थी जब वो, तब वो मेरे पास काम करने लग गई थी। अब वो +2 में है, तो दीपक अब 7th में हो गया है, नहीं 8th में हो गया, सॉरी। तो ये बच्चे जो दीपक था वो मेरे घर पे ही हुआ था, तो मतलब ये बच्चे छोटे छोटे थे जब मेरे पास आए हैं, यूं लगा लो के भी बहुत बढ़िया परिवार उन्हें भी मिला है, हम भी उनको मिल गए। तो संतोष बोली कि मैडम मेरे बेटे का बर्थडे है, 31 मार्च को दीपक का बर्थडे आता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उसी दिन क्या हो गया, मम्मी भी आ गए, बबली मासी भी आ गई मेरी, और फिर हमारा डिनर था बाहर, मासी घर में मेरा डिनर था, तो मतलब उसी दिन बहुत लोग आ गए।
संतोष को ये लगा कि भी मैं तो भूल गई उसका बर्थडे जो है बच्चे का, नहीं मैं भूली नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने संतोष को सरप्राइज दिया। अब हुआ ये कि जिस शॉप पर मैं केक ले रही थी रात को 7, 7:30, 7:45 बजे, वहीं पर ही संतोष और मेरा आमना सामना हो गया। कि भी संतोष को फिर पता चल गया, अब संतोष को तो पता था कि हमारे घर में किसी का बर्थडे नहीं है, तो ये सरप्राइज जो था उस दिन जो है हमारा खराब हो गया। तो फिर भी कोई बात नहीं, तो मैंने केक लिया, मैंने संतोष को घर वापस भेज दिया था। तो मैंने संतोष को बोला कि मैं केक लेके आ रही हूँ, तो ये जो दीपक का बर्थडे मैंने मनाया है उस दिन, मेरे को कमेंट आया है सुनील चौहान जी का, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सो मच सुनील जी, आपका आशीर्वाद जरूर मेरे बेटे को लगेगा और वो खूब तरक्की करेगा। तो नेक्स्ट जो है यूजर HP9DU3VH6J, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आपका नाम शो नहीं हो रहा, आपकी आईडी शो हो रही है। और एक मैसेज है राजन अरोड़ा ब्लॉग्स, तो शायद आप भी ब्लॉग्स बनाते हो राजन जी, थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे चैंप। तो आपका आशीर्वाद जो है बहुत जरूरी है, थैंक यू सो मच, आपने बच्चे को इतना आशीर्वाद दिया। नेक्स्ट है मोबाइल चोरी हो गया। एक्चुअली मेरे पास एक टीचर है संगीता मैम, उनका मोबाइल जो था वो जब गाड़ी से वापस स्कूल में आ रही थी तो उनका मोबाइल गुम हो गया, ये लगा लो गुम तो क्या हुआ था, वो ऑफिस में जब मेरे से बात कर रही थी तो ऑफिस में ही उनका मोबाइल पड़ा हुआ था, तो एक्चुअली साइलेंट हो गया फोन और वो जैसे ही सीट पे बैठी हुई थी तो वो साइड में गिर गया और वो साइलेंट था तो पता ही नहीं चला। तो उसपे एक मैसेज आया हुआ है उस ब्लॉग पर, सुनील चौहान जी का मैसेज है, थम्स अप दिया है कि मोबाइल मिल गया, थैंक यू सो मच, वाकई मोबाइल मिल गया था। लेकिन उस टाइम पर तो हमें बहुत टेंशन हो गई थी, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी हमें कि भाई देखो चाहे तो 2000 का चाहे 3000 का है, मोबाइल तो बहुत बड़ी चीज है और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं तो वो मतलब दिक्कत तो हो जाती है। देखिए और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं तो अभी निकालने में टाइम लग रहा है, चलिए YT स्टूडियो में चेक कर लेते हैं एक बार और। प्रदीप गौर 692 इनका मैसेज आया हुआ है, सुपर्ब जी, तो थैंक यू सो मच प्रदीप जी, आपको मेरे ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे अनलिमिटेड मैसेज हैं, देखिए कितनों का जवाब दूंगी, ये सब मैसेज हैं, ये देखिए बहुत सारे मैसेज हैं। एक संदीप सिंह जी का मैसेज है, मैम ये सूट आप पे बहुत जचते हैं, तो थैंक यू सो मच संदीप जी। तो मैं थोड़े बहुत ही कमेंट पढ़ देती हूँ आज, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप भी बीच में छोड़ के चले जाओगे। तो थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्यार देते हो, और जिसने मेरे ब्लॉग्स अभी पीछे के 2 महीने पहले के नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाके मेरे ब्लॉग्स देखिए, उस पर कमेंट जरूर करिए। आप ब्लॉग्स तो जरूर देखते हो लेकिन उसमें कमेंट और शेयर नहीं करते हो, तो शेयर अपने दोस्तों को कीजिए और लेडीज अपनी सहेलियों को करेंगी। तो मैंने ये ब्लॉग्स, मैंने फिर बताया है कि मैंने ये ब्लॉग्स जो है नंबर 1 पर लाने हैं, तो थैंक यू सो मच, आपका इतना प्यार जो है मेरे साथ बना रहे, तो थैंक यू सो मच।